हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 10, पत्थर का पत्थर। इस पाठ का प्रकार है चित्रकथा। यहाँ एक चट्टान को अलग अलग व्यवसाय के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। चट्टान के अलग अलग उपयोग सोचते हैं। चट्टान नदी के किनारे थी। अंत में धोबी द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि चट्टान पर कपड़े धोने से नदी का जल प्रदूषित होता है। तो यहाँ जल प्रदूषित होने की बात आई है। तो जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है वो हम जानते हैं। एक, औद्योगिक कूड़ा। दो, कृषि या खेती विषयक गतिविधियां। तीन, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। चार, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज और नदी में कचरा फेंकना। अब हम जल प्रदूषण किस तरह से रोका जाए उसका उपाय देखते हैं। तो जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें तालाबों और नदियों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सार्वजनिक जल वितरण के साथ छेड़छाड़ न करें। विसर्जन नियत स्थान पर करने के साथ जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। कठिन शब्द थमना यानी कि बंद होना, स्टॉप। आदेश यानी कि हुक्म, ऑर्डर। प्रदूषित यानी कि दूसरे पदार्थ से मिला हुआ, पॉल्यूटेड। छेनी यानी कि खुदाई करने का औजार, चिजल। मिट्टी यानी कि धूल, सॉइल। सूचना यानी कि खबर, इंफॉर्मेशन। चट्टान यानी कि शिला, रॉक। शब्द अर्थ कलाकृति यानी कि कला का नमूना, आर्टवर्क। प्रकट होना यानी कि उदित होना, क्रॉप आउट। फोर्थ, रुकावट यानी कि बाधा, अवरोध, रोक। इंटरप्शन, कमांडर यानी कि सेनानायक, कमांडर। राहगीर यानी कि यात्री। पेशर बाय, दलदल यानी कि कीचड़, गीली मिट्टी, मड। चित्र में पहले एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम राजू है। वह ये पत्थर उसे चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है और उसे वह हूबहू गणेश जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में आप देखते हो राजू सोचता है कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तो यहाँ बाद में गांव वालों को बताओ और वह गांव की ओर भागता है। तीसरे चित्र में देखते हो वहां एक मूर्तिकार चेतन आता है। यह पत्थर उसे भी चट्टान जैसा लगता है और वह सोचता है कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है, मेरी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही है। मैं जरा छेनी और हथौड़ी ले आऊं। और छेनी और हथौड़ी ले जाने के लिए वह घर की ओर लौटता है। चौथे चित्र में आप देख रहे हो कि एक व्यापारी नजर आ रहा है। वह चट्टान पर आराम करने के बाद सोचता है कि मैं अपने मित्र को इसके बारे में बताऊंगा और कुछ देर आराम करने के बाद व्यापारी वहां से चला जाता है। पांचवें चित्र में आप देख रहे हो उसी समय एक घुड़सवार सैनिक आता है। इतना बड़ा पत्थर देखकर उसे लगता है कि सेना के रास्ते में यह रुकावट डालेगा, इसलिए मुझे इसके बारे में कमांडर को बताना चाहिए। छठे चित्र में आप देख रहे हो घुड़सवार सैनिक कमांडर को ये सूचना देने के लिए कैंप की ओर जाता है। सातवें चित्र में आप देखते हो वहां भोलू धोबी आता है और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो भोलू धोबी सोचता है कि इतनी सारी भीड़ यहाँ क्यों है। आठवें चित्र में देख रहे हो राजू, मूर्तिकार, चेतन, व्यापारी और सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। राजू बोल रहा है कि यहाँ चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वाले इसकी पूजा करेंगे। तो मूर्तिकार चेतन बोलता है नहीं नहीं, मैं एक कलाकृति बनाऊंगा इस चट्टान से। व्यापारी बोलता है इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे।
सैनिक बोलता है, नहीं, कमांडर ने मुझे यहाँ से हटाने का आदेश दिया है। नंबर 9 का चित्र आप देख रहे हो, इसमें भोलू धोबी सबको समझा रहा है कि आप बेकार में झगड़ रहे हो। बाद मिट्टी को बहा ले गई तो वही पत्थर अब चट्टान जितना दिखाई दे रहा है। चित्र 10 में भोलू धोबी सबको बता रहा है कि इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा था, अब नई जगह धोबीघाट हमने बना दिया है। 11 चित्र में आप देख रहे हो, धोबी की बात सुनकर सब निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। यहाँ यही संदेश बताया गया है कि नदी में कपड़ा धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। अब हम कठिन शब्द देखेंगे। पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। एक नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव था। एक बार नदी में बाढ़ आई। बाढ़ थमने पर गांव का ही एक लड़का रहा जो नदी किनारे गया। क्या हुआ? एक नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव बसा हुआ था। एक बार नदी में बाढ़ आई। यहाँ बाढ़ का मतलब होता है नदी आदि के जल का फैलना, सैलाब। बाढ़ थमने पर गांव का ही एक लड़का था राजू, वह नदी किनारे गया। अरे यह चट्टान यहाँ कहाँ से आई? यह तो हूबहू गणेश जैसी दिखाई दे रही है। अब राजू को वो पत्थर चट्टान जैसा लगा और वह सोचने लगा कि ये यहाँ कहाँ से आई, ये तो हूबहू यानी कि गणेश जैसी दिखाई दे रही है। मैं गांव में सबको बताऊंगा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। राजू गांव की ओर भागा। अब राजू वह चट्टान को देखकर सोचने लगा और बोला कि मैं गांव में जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। राजू गांव की ओर भागने लगा। तभी एक मूर्तिकार चेतन वहां आया। अब राजू चला गया तो एक मूर्तिकार चेतन वहां आया, उसने भी यह पत्थर को चट्टान समझ लिया। वह कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है, मेरी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही है, जरा छेनी और हथौड़ी ले आओ। अब मूर्तिकार चेतन को यह पत्थर बहुत ही सुंदर लगा और वह सोचने लगा कि मेरी अगली कलाकृति के लिए ये एकदम सही है, मैं जरा छेनी, छेनी का मतलब होता है पत्थर को तराशने का लोहे का औजार, और हथौड़ी ले आओ। मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी लाने घर की ओर लौटा। अब मूर्तिकार चेतन छेनी और हथौड़ी लाने के लिए घर की ओर लौटा। मूर्तिकार जाते वहां एक व्यापारी आया। अब मूर्तिकार चेतन चला गया तो वहां एक व्यापारी आ गया, उसे भी यह पत्थर यानी कि चट्टान को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह आराम करने की लिए कितनी बढ़िया चट्टान है, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताऊंगा। अब व्यापारी को भी यह चट्टान बहुत अच्छी लगी और वह सोचने लगा कि मैं अपने मित्र को भी बताऊंगा कि ये आराम के लिए बढ़िया चट्टान है। कुछ देर सुस्ताने के बाद व्यापारी भी चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद व्यापारी भी वहां से चला गया। उसी समय घुड़सवार सैनिक आया। अरे इतना बड़ा पत्थर, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, इसके बारे में मुझे कमांडर को बताना चाहिए। अब राजू भी वहां से चला गया, मूर्तिकार चेतन भी चला गया, एक व्यापारी भी चला गया वहां से। अब एक घुड़सवार सैनिक वहां आया। वो पत्थर को देखकर बोला, बहुत बड़ा पत्थर है, यह तो सेना के रास्ते में क्या करेगा, रुकावट डालेगा। अब वहां सैनिक सोचने लगा कि मुझे इसके बारे में कमांडर को बताना चाहिए। कमांडर को सूचना देने के लिए सैनिक कैंप की ओर दौड़ा। अब कमांडर को बताने के लिए वह सैनिक कैंप की ओर दौड़ा। कुछ घंटे बाद भोलू धोबी कपड़ों की
पोटली लिए नदी किनारे आया। अब काफी घंटे बीत गए। फिर भोलू धोबी कपड़ों की एक पोटली लेकर नदी किनारे आया। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी, इसलिए वह सोचने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है। अब राजू, मूर्तिकार चेतन, व्यापारी और घुड़सवार सैनिक आपस में लड़ रहे थे। यह चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वालों इसकी पूजा करेंगे। अब राजू बोला मूर्तिकार चेतन को, व्यापारी को और सैनिक को कि यह चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वाले इसकी पूजा करेंगे। तो फिर मूर्तिकार चेतन बोला, नहीं नहीं, इस चट्टान से मैं एक कलाकृति बनाऊंगा। मूर्तिकार चेतन क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस चट्टान से मैं एक कलाकृति, यहाँ कलाकृति का मतलब होता है कला का नमूना, यानी कि मैं मेरी एक बढ़िया सी कलाकृति बनाऊंगा। तभी व्यापारी बोला, इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। और व्यापारी क्या बोला कि इस चट्टान पर मेरे जैसे और रास्ते पर जाने वाले इंसान यहाँ आराम करेंगे। ये बात सुनकर घुड़सवार सैनिक बोला, नहीं, कमांडर ने मुझे इसे यहाँ से हटाने का आदेश दिया है। क्या बोला घुड़सवार सैनिक कि नहीं, कमांडर ने मुझे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का आदेश यानी कि हुक्म दिया है। आप लोग बेकार जगह रहे हैं, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। पहले इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था, बाढ़ मिट्टी को बहा ले गई, सो वही पत्थर अब चट्टान जितना दिखाई दे रहा है। भोलू धोबी ने देखा कि सब लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें समझाते हुए भोलू धोबी बोला कि यह चट्टान तो पहले से थी जो मिट्टी में दब गई थी, अब पानी मिट्टी बहा ले गया तो यह पत्थर चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है। हम इस पर कपड़े धोते थे, इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा था, अब नई जगह धोबी घाट बना दिया गया है। भोलू धोबी बोलता है, पहले इस पत्थर पर मैं कपड़े धोता था, लेकिन अब नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए धोबी घाट कहीं और बन गया है। भोलू धोबी की बात सुनकर सब लोग मुंह लटका कर वापस चले गए। अब यह बात सुनकर सब लोग वहां से निराश होकर चले जाते हैं। संदेश, नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आज हम मौखिक प्रश्न के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है केवल सुनना ही है। उसमें पहला, राजू को चट्टान कैसी दिखाई दे रही थी? तो उत्तर है, और हमने पाठ में आगे पढ़ा वैसे ही, राजू को चट्टान गणेश के समान दिखाई दे रही थी। दूसरा, मूर्तिकार को वह चट्टान क्यों पसंद आई? तो उत्तर है, मूर्तिकार को वह चट्टान कलाकृति के लिए एकदम सही लगी। तीसरा, नदी के किनारे भीड़ क्यों लगी थी? तो हमने आगे पाठ में पढ़ा कि चट्टान की वजह से लोग आपस में झगड़ रहे थे, इसलिए नदी के किनारे भीड़ लगी थी। चौथा, धोबी ने सबको क्या बताया? उत्तर है, धोबी ने सबको बताया कि पत्थर वर्षों से यही है। धोबी ने सबको क्या बताया था कि पत्थर कई सालों से यही है, पहले इसका बड़ा हिस्सा जो मिट्टी से दबा हुआ था। पहले क्या हुआ था, पत्थर का बड़ा हिस्सा जो मिट्टी से दब चुका था, बाढ़ बहा ले गई वहां, अब यह पत्थर चट्टान जितना दिखाई दे रहा है।
थैंक यू।